वरसाद छे, त्रण दिवस गुजरात में वरसादी माहौल रहेशे। तमाम विस्तार में मध्यम थी भारे थी अति भारे वरसाद की आगाही छे, जेमां सौराष्ट्र दक्षिण गुजरात में भारे थी अति भारे वरसाद की आगाही छे। कच्छ में पण बे दिवस भारे वरसाद की आगाही छे। हाल में साइक्लोन नो कोई खतरो नथी, हाल डीप डिप्रेशन छे अने 6 कलाक में वेलमार्क लो प्रेशर बनशे। 30 सप्टेम्बरे डीप डिप्रेशन नॉर्थ ईस्ट अरबी समुद्र में डीप डिप्रेशन उद्भव छे। साइक्लोन में परिवर्तन थशे के नहीं ते अंगे आगामी समय में माहिती आपवामां आवशे। अगले 3 दिन में राधर गुजरात स्टेट को अच्छी खासी बारिश मिलेगी। अधिकतम स्थानों पर बारिश रहेगा, हल्के से मध्यम बारिश, लेकिन भारी से अति भारी बारिश कुछ एक जगहों में साउथ गुजरात रीजन में और सौराष्ट्र में होने का संभावना है। और कहीं एक आध जगह में एक्सट्रीमली हेवी रेन भी होने का संभावना है, जैसे वलसाड, दामन, दादरा नगर हवेली में एक्सट्रीमली हेवी रेन हो सकता है। सौराष्ट्र कच्छ देखा जाए तो कल यानी डे 2 में सौराष्ट्र कच्छ में भी एक्सट्रीमली हेवी रेन होने का संभावना है। मोस्टली राजकोट और जूनागढ़ में होने का संभावना है, बट हेवी टू वेरी हेवी अमरेली, गिर सोमनाथ, भावनगर में हो सकती है। दीव में भी वेरी हेवी होने का संभावना है एंड सुरेंद्रनगर, मोरबी, देवभूमि द्वारका, पोरबंदर में आइसोलेटेड हेवी रेन होने का संभावना है। जामनगर में भी वेरी हेवी होने का भी संभावना है। मोस्टली डे 1 डे 2 में अच्छी बारिश रहेगा और वार्निंग भी दिया गया है, बारिश अति भारी और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग दी गई है। एंड मच्छरों के लिए अगले 5 दिन में वार्निंग है, वो दोनों कोस्ट के लिए वार्निंग दिया गया है, उनको समंदर का अंदर जाना मना है। मोस्टली अभी जो साइक्लोन का जो गुलाब का जो अभी होके डिप्रेशन हुआ था, अभी विदर्भ का पास में है, वो अभी अगले 6 घंटे में वीक होके वेलमार्क लो प्रेशर हो जाएगा। उसका मूवमेंट मोस्टली वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्ली रहेगा एंड उसका जो इफेक्ट साउथ गुजरात रीजन सौराष्ट्र में मोस्टली ज़्यादातर रहेगा और उसके कारण से भारी से अति भारी बारिश और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने का संभावना है। और वो सिस्टम वीक होके नॉर्थ ईस्ट अरबियन सी में इमर्ज हो जाएगा अराउंड 30 सितंबर को। डिप्रेशन बनने का भी कोई इंटीमेशन नहीं है, लेकिन जो वेलमार्क लो प्रेशर एरिया भी वीक होके फर्दर भी उसका वीक होके वो जो जाएगा, जब फर्दर इंटेंसिफिकेशन होगा उसका स्टेज बताया जाएगा।